देखने सिस्टी क्रिएटिव आइडिया चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मेरे हिबिस्कस के प्लांट पर कितने बड़े फ्लावर खिले हैं। ये इनके ऊपर दो फ्लावर खिले हैं एक साथ, और इस प्लांट में बहुत सारी कलियां बनी हुई हैं, बर्ड्स बनी हुई हैं। ये देखिए, आज मॉर्निंग में हल्की सी बारिश हुई है जिसकी वजह से प्लांट आज लटका हुआ है, थोड़ा सा झुका हुआ है, आपको दिख रहा होगा पत्तों में, और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैं आज इसी प्लांट की केयर और टिप्स आपको बताने वाली हूँ। बहुत बुशी प्लांट है मेरा और बहुत बड़ा है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसकी, मैंने कट नहीं की है, मुझे ऐसी ब्रांचेस ही पसंद है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारे फ्लावर आए। ठीक है, तो आज इसी की केयर और टिप मैं आपको बताऊँगी। अभी मैं अपने हिबिस्कस पे वीडियो बनाने आती हूँ तभी बारिश शुरू हो जाती है, आप यकीन नहीं करोगे। ये थर्ड टाइम मैं वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। आज देखिए इस पर तीन फ्लावर खिले हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा, दूर जाकर दिखाती हूँ, तीन फ्लावर हैं। तो इसकी केयर और टिप की मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है। हफ्ता 10 दिन में आपको इसकी मिट्टी की गुड़ाई करनी है। मिट्टी में आपको रिवर्स एंड मिलाना है 30 से 35%, 50 से 55% आपको इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल रखनी है, और बाकी आप कोई भी खाद डाल सकते हो इसमें, जो भी आपके पास हो, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, पत्तियों की खाद, गोबर की खाद, जो भी आपके पास हो वो सब मिट्टी में ऐड करके एक अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना लीजिए। और पानी इसको पसंद है बट इतना भी पसंद नहीं है कि आप इसमें भर भर कर पानी दो और वो सारे दिन पानी इसमें खड़ा रहे। तो मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो पानी इसमें खड़ा नहीं रहेगा। इस वाले पॉट में मेरे 3-4 प्लांट लगे हुए हैं, सदाबहार भी है और ट्रम्पेट वाइन भी है, बहुत सारे प्लांट हैं। तो ये प्लांट जो है वो सॉरी पॉट जो है ये 16 इंच का करीब पॉट है। तो आप ऐसा ही कीजिएगा, बड़ा पॉट दीजिएगा ताकि फ्लावर जो हैं वो अच्छे आएँ। जितना बड़ा पॉट होगा उतना बड़ा फ्लावर आएगा, उतनी अच्छी उसे मिट्टी और खाद मिलेगा, पोषक तत्व मिलेंगे, तो उतना ही बड़ा उसमें फ्लावर आएगा। तो मैं बोलूँगी आप इसे 10 से 12 इंच का जो बड़ा गमला होता है उसी में लगाना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्लांट जो है मेरे पास 3-3.5 साल से मेरे पास है ये प्लांट, और काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सारी कटिंग मैं इसमें लगा चुकी हूँ अलग अलग करके। प्रोपगेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। ये देखिए, इस टाइप की आपको सेमी वुड कटिंग ले लेनी है, इससे पतली हो तो भी चल जाएगी, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। और आप बस इसको मिट्टी में, कोकोपीट में, जो भी चीज़ आपके पास हो वो इसमें लगा दीजिए। बीज से मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कभी लगा कर नहीं देखा बीज से उगता है या नहीं उगता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप इसको बहुत सारे फर्टिलाइज़र दे सकते हो, जैसे कि चाय पत्ती का और एलोवेरा का, और हमारे जो टर्मरिक होती है जिसको हम किचन में यूज़ करते हैं उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए। एंजाइम मैंने आपको सिखाया था बनाना, आप एंजाइम का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दीजिए। वाइट विनेगर के ऊपर मैंने बताया है, उसका भी बना के दीजिए। बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं जो मैं अपने चैनल पर दिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ आप सबको बनाना, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। तो बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डालते रहिए, जल्दी जल्दी डालिए, कम से कम महीने में 2 बार डाल दीजिए। तो जितना जल्दी आप इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करेंगे उतने ही जल्दी इसमें फ्लावर आएंगे। तो ये देखिए मेरे पास है DAP, 8-10 दाने इसमें डाल देने हैं, सरसों की खली, नीम की खली, सब कुछ जो भी चीज़ आपके पास हो वो सब डालिए। और सबका वही मेथड है, 20 से 25 दिन का गैप दे देकर आप सारी चीज़ें इसमें ऐड करते रहिए। मैं अपना सामान निकालते जा रही हूँ और आपको बोलते जा रही हूँ, आज काफ़ी दिन हो गए हैं, लगभग 1 फरवरी में मैंने खाद भर डाला था, उसके बाद नहीं डाला है। तो एक मुट्ठी भरकर मैं इसमें डालूँगी सरसों खली, ठीक है। और आप इसमें एप्सम सॉल्ट जो होता है वो ज़रूर दीजिए, उससे क्या होगा कि हमारे पत्तियों का जो कलर है वो बहुत अच्छा आएगा, डार्क ग्रीन कलर का आएगा, तो उसको देना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए मैं इसमें डालूँगी, इस टाइम स्पून नहीं है मेरे पास तो मैं हाथ से ही बता देती हूँ। ये देखिए कम से कम 1 स्पून के करीब आपको इसमें एप्सम सॉल्ट डालना है, और ये देखिए मैं 1/2 स्पून के करीब इसमें अपना ऐड करूँगी NPK, 1919 में डालती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ, 1/2 स्पून ही बहुत है। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं कंपोस्ट भी इसमें डालने वाली हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद ही वाटरिंग करूँगी, क्योंकि बार बार सारी चीज़ें डालना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैं सारी चीज़ें ऐसे डाल के मिक्स कर लेती हूँ, मैं ले आती हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं अपना घर का बना हुआ कंपोस्ट भी ले आई हूँ, ये 2 से 2.5 मुट्ठी के करीब ही मैं इसमें डालूँगी। और आप सब इन सब को मिट्टी में अच्छे से मिला देना, गुड़ाई करके अच्छे से मिक्स कर देना, और उसके बाद वाटरिंग करना। बहुत अच्छा प्लांट है, जिसे हम बोलते हैं ना पक्का पौधा, ये वही है बोलचाल की भाषा में। मुझे टेक्निकल भाषा जो है वो इतनी नहीं आती है, सिंपल जो हम बोलचाल की भाषा है वही मुझे आती है, और वही मैं आपको बता रही हूँ। तो
मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने ध्यान नहीं दिया था, शायद आपको दिखा नहीं होगा, बीच में पत्ता आ गया था प्लांट का। तो बिल्कुल पक्का पौधा है, एक बार ले लीजिए, सालों साल रहेगा आपके गार्डन में, कभी नहीं मरेगा, ठीक है। बस ये थोड़ा सा जनवरी के फर्स्ट वीक में या दिसंबर के एंड में डोरमेंसी में चला जाता है, और जैसे ही हमारा स्प्रिंग स्टार्ट होता है और ये अपनी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है, ग्रोथ पे आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए मैं इसमें वाटरिंग कर देती हूँ। आपने देखा ही होगा शुरुआत में मेरा पॉट बिल्कुल सूखा पड़ा था, तो जब आपका पॉट ऐसे सूख जाए उसी टाइम आप इसमें वाटरिंग कीजिए, और वाटरिंग अच्छे से कीजिए, ठीक है। इस प्लांट को पानी काफ़ी चाहिए, पानी एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारे पौधे हरे भरे रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। खाद वाद के बारे में मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, बाकी रह गया हमारा धूप। तो इस प्लांट को बहुत सारी धूप चाहिए, जितनी भी धूप आपके टेरेस पर आती हो आप इसे उतनी धूप दीजिए। एक घंटे की आती है, 6-7 घंटे की आती है, जितनी भी घंटे की धूप आपके टेरेस पर आती हो वो दीजिए। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो इस प्लांट के जो पहले फ्लावर थे वो अपने मंदिर में चढ़ा चुकी हूँ, मैं काली माता को दुर्गा माता को चढ़ा चुकी हूँ। और ये फ्लावर जो आपको दिख रहे हैं इनको मैं हेयर रेमेडी में यूज़ करने वाली हूँ। 3 फ्लावर हैं, तो इन सब का यूज़ हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो बड़ा सारा थम्सअप कर देना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो घंटी का बेल आइकन आता है आपको उसको भी प्रेस करना है, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो देखिए काफ़ी सारी बर्ड इस पर बनी हुई हैं अभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं कुछ भूल जाती हूँ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते हमारा ध्यान प्लांट की तरफ रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।